सीधा आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। इसे रोकने के लिए सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है। और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुनः यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश्व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर व कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। इसके साथ साथ
यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में जो स्मारक व पार्क आदि बनाए गए थे, तो उनके रख रखाव को लेकर सपा सरकार में तो बहुत ज़्यादा और अब भाजपा सरकार में भी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है, जिसकी वजह से अब आए दिन सभी स्थलों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। और इस मामले में फिर से मैं वर्तमान भाजपा सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए तो और इस मामले में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीडिया बहुत गलत तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा था। और इस मामले में फिर से वर्तमान भाजपा सरकार का, क्योंकि सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज मेरी चिट्ठी को लेकर बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल अर्थात श्री एस सी मिश्रा राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव बसपा एवं श्री उमा शंकर सिंह बीएसपी विधानमंडल दल के नेता आदि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिले हैं इन स्थलों को लेकर। इस संबंध में मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और इन दोनों को मैंने भेजा, आप चिट्ठी लेकर जाओ और उनको डिटेल में इन स्थलों की जो खराब हालत है उसके बारे में अवगत कराओ ताकि इन स्थलों की हालत सही हो जाए, इस ओर सरकार ध्यान दे। मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वे इस मामले में अब जरूर उचित व ठोस कदम उठाएंगे। चिट्ठी की कॉपी भी मीडिया को दे दी जाएगी, क्योंकि जो गलत प्रचार कर रहे हैं आज ये दोनों मिले हैं, ये तो मेरी चिट्ठी लेकर मिले हैं स्मारकों को लेकर कि स्मारकों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस ओर सरकार ध्यान दे। और जो चिट्ठी लेकर मिले वो कॉपी भी हम मीडिया को भेज देंगे, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। इसके साथ ही इस समय देश में रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस दौरान बिजली की कटौती की जा रही है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इस मामले में केंद्र व सभी राज्यों की सरकारें जरूर सख्त व कठोर कदम उठाएं, बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। इन्हीं खास अनुरोधों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं या फिर देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का ख्वाब उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार से ऐसा करना चाहती है ताकि मैं वो ना कर सकूं जिसके लिए मैं राजनीति में हूं। आखिरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि बीएसपी के शासन में जो चीजें बनी हैं, जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, उनके रखरखाव के संदेश को लेकर बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा और उमाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। मैंने पार्कों की हालत खराब है, सरकार उन पर ध्यान दे, ये अपील है उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। तो अखिलेश यादव के राष्ट्रपति वाले बयान पर यहां पर तीखा प्रहार किया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। कहा है कि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, फिर से वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति कहीं उनके ख्वाब में नहीं है, कहीं उनकी कल्पनाओं में नहीं है, क्योंकि वो ऐशो आराम करने के लिए राजनीति में नहीं आई है। ये भी उन्होंने तर्क दिया और इसी हाल में इसी बात पर उन्होंने आक्रमण किए समाजवादी पार्टी पर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर। मायावती लगभग 5 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी प्रेस से बात की और ये बातें बड़ी उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी चिट्ठी को लेकर आज बसपा के दो नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और बसपा के वक्त में बने पार्कों की खराब हालत की तरफ ध्यान दिलाया उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो बसपा प्रमुख मायावती को आपने सुना, क्या कुछ हाईलाइट्स रही है, क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ना सिर्फ सरकार पर बल्कि
अखिलेश यादव पर भी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर वो दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर के अफवाह फैला रही है समाजवादी पार्टी। राष्ट्रपति बनने की मंशा मेरी कभी थी ही नहीं और ना कोई सपना मैं देखती हूँ। मैं सीएम और प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देख सकती हूँ। ये सिर्फ इसलिए समाजवादी पार्टी कर रही है ताकि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से, वहां की सियासत से मुझे साफ कर सके और अपना रास्ता क्लियर कर सके। इसलिए समाजवादी पार्टी ये पूरा षड्यंत्र कर रही है। अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर मायावती का ये पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती। मायावती का ये बड़ा बयान है और साथ ही साथ देखिए और क्या कुछ कहा, वो भी आपको बता रहे हैं। मैं पीएम और यूपी की सीएम फिर बनने का सपना देख सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी राजनीति लगातार यूपी को लेकर ही रहेगी और यूपी पर ही केंद्रित रहेगी। ये भी उन्होंने कहा, सपा के लोग जानबूझ करके अफवाह फैला रहे हैं। सपा मुखिया को एहसास है कि अब लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती ने ये बड़ी बातें कही हैं, आपके सामने हमने रखी। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को, अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को, अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुभव, हमने अखिलेश यादव का बयान भी दिखाया और उसके बाद उस बयान पर जो पलटवार था अभी अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, वो भी हमारे दर्शकों ने देखा। तो ये राष्ट्रपति बनने बनाने की चर्चा चुनाव के दौरान से ही और उसके बाद से लगातार हमने देखी है। इस पर ऐसा लगता है कि अभी बात समाप्त नहीं होने वाली है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती ने अपना वोट तो शिफ्ट करा दिया, अब क्या बीजेपी उनको राष्ट्रपति बनाएगी या नहीं ये देखना है, तो आज बीएसपी सुप्रीमो ने इसका जवाब दिया, पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि उनको राष्ट्रपति नहीं बनना है और अगर उनको अपने समाज का भला करना है तो पीएम और सीएम बनकर ही वो उनका भला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि वो डरी हुई है, उसको पता है कि वो तब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक कि अगर वो यहाँ से बीएसपी को नहीं हटा पाएंगे, तो इसीलिए जानबूझकर इस तरह की अफवाह वो फैला रहा है और ये चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐसी ही अफवाह फैलाई थी जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये केवल कहने और कहने के लिए बातें हैं, जानबूझकर ये बातें फैलाई जा रही हैं। तो इसको लेकर आज मायावती ने पलटवार साफ तौर पर कर दिया है और इससे ये साफ है कि बीएसपी सुप्रीमो किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर बसपा के जो लोग हैं, उनके बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं पर कोई वोट शिफ्टिंग नहीं हुई, कहीं पर किसी के साथ कोई वोट शेयरिंग नहीं हुई, कोई इस पर बातचीत पहले नहीं हुई थी और साफ तौर पर ये संदेश उन्होंने दिया है और निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा है। ये भी कहा है कि जब जो समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई, यादव मुस्लिम एक साथ करके सबने उनको वोट दिया, उसके बावजूद वो सत्ता से बाहर हो गए, तो ये एक बड़ा संकेत है समाजवादी पार्टी के लिए और उसको ये समझना चाहिए। कहीं ना कहीं आज अगर हम कहें तो मायावती ने सीधा निशाना अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर साधा है। हाँ, ये भी जरूर है कि जिस तरीके से जो स्मारक है उनके समय में जो बनाए गए थे उसको लेकर आज चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा और उमा शंकर सिंह जो एकमात्र विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो उस बात का भी जिक्र मायावती ने किया है, पर उनका मुख्य उद्देश्य वही था। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कल बयान दिया था उस पर आज मायावती ने बड़ा हमला किया है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। मायावती ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम वोटों में बहुत ताकत है और इन वोटों की ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर यह मायावती का पलटवार था। उन्होंने साथ में कहा कि वो राष्ट्रपति इसलिए नहीं बनना चाहती है क्योंकि वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं चाहती। मायावती ये तर्क दिया उन्होंने अपनी बातचीत में और राष्ट्रपति न बनने की चाह के पीछे का सबसे बड़ा तर्क था कि वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहती, वो काम करना चाहती हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का तो सपना देख सकती हैं।
लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी आक्रमण किया कि अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही।